हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरेस गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फालसे का प्लांट है इसकी हम प्रूनिंग कैसे करते हैं और इसकी देखभाल कैसे करते हैं। अभी देखिए, ये एक पॉट में लगा है, ये अराउंड 14 इंच का पॉट है और इसका ये ट्रंक है। तो देखिए इसकी ब्रांचेस कितनी कितनी लंबी हो चुकी हैं। अगर इसको प्रून नहीं करेंगे ना तो ये बहुत बेढंगा हो जाएगा और इस पर फ्रूटिंग भी कम होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी जो मिट्टी है, सॉइल जो है, हल्की हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए, सूखनी बिल्कुल नहीं चाहिए। पानी इसको तब दें जब ऊपर का 1.5 इंच की मिट्टी इसकी सूख चुकी हो और इसकी सॉइल में 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 10% सैंड जो भालू होती है, जो रेत होती है, 10% वो मिला लीजिए और 10% आप मिला लीजिए इसमें नीम खली। बस इसको बहुत ज़्यादा ये चूजी नहीं होता, बस इसको ड्रेन्ड मिट्टी, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। गमले में कोई भी प्लांट लगाएं उसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड ही रखें। अगर वो वेल ड्रेन्ड नहीं होगा तो उसमें पानी स्टेगनेंट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट आपका मर सकता है, रूट्स ख़राब हो जाएंगी और प्लांट्स आपका ख़त्म हो सकता है। अब ये जो जैसे ये पत्ते हैं सूखे हुए, इनको आप निकाल सकते हैं बीच में से, क्योंकि ये फंगस कर सकते हैं। अभी दोस्तों सितंबर का महीना ख़त्म होने जा रहा है, अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। इस प्लांट को आप प्रॉपर धूप में रखिए, 6 से 8 घंटे की धूप दीजिए और जब फरवरी मार्च अप्रैल का सीज़न आता है तब इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू होती है। जो आप ये जो नोट्स देख रहे हैं यहाँ से शुरू होती हैं फ्लावर्स। जैसे एक ये नोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नोड है, यहाँ से फ्लावरिंग, यहाँ से एक शूट निकलेगी, वहाँ पे गुच्छे लगेंगे। जब फ्रूटिंग होगी इसकी मैं तो भी आपको दिखाऊँगा, उस पर फ्लावर्स लगेंगे, फिर उस पर फल बनता है। फालसा बहुत मिनरल्स होते हैं फालसा में और फालसा टेस्टी भी बहुत होता है खाने में। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र कोई बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम फर्टिलाइज़र चाहिए, बराबर एनपीके 19-19-19 दीजिए। साथ में आप इसको सीवीड एक्सट्रैक्ट और फ्लावरिंग से पहले ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। मंथ में एक बार या दो बार, 15 दिन में एक बार आप इसको फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। सीवीड ज़रूर डालिए क्योंकि माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं, गमले में पॉट में जब भी लगा होगा तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स की कमी होगी। कैल्शियम के लिए आप बोन मिल दे सकते हैं या रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं या स्टोन डस्ट दे सकते हैं। बोन मिल कुछ लोग नहीं यूज़ करते हैं, मैं भी वैसे अवॉइड करता हूँ, मेरे पास पड़ी होती है बट उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि मेरा दिल ही नहीं करता देने का। तो आप स्टोन डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं बट आप ज़्यादा मत यूज़ करिएगा कैल्शियम। और दोस्तों जब फ्लावरिंग हो तो अपने गार्डन में, अब देखिए ये पीछे बैंगन लगे हैं, अपने गार्डन में कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ज़रूर रखें। जब भी आप वेजिटेबल्स लगाएं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे गार्डन में 12 महीने कोई ना कोई फ्लावर, सीजनल फ्लावर्स रहते हैं। अब ये देखिए, अब ये रेन लिली है, वाइट भी है, येलो भी है, ये देखिए, और ये मेरा स्पाइडर लिली है, ये देखिए सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आप देख रहे होंगे इसमें बी भी होगी, इसके अंदर दोस्तों मधुमक्खी है, वो देखिए हिल रही है, ये आई। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर आपके गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होंगे तो ये पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे। ये देखिए मेरे पास टेकोमा लगा हुआ है, पूरा फ्लावर से भरा पड़ा है, ये टेकोमा येलो है, ये टेकोमा पर्पल है, तो वापस आते हैं दोस्तों। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर ये फ्लावर्स नहीं होंगे आपके गार्डन में तो पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे, पॉलिनेटर्स जैसे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, भंवरे, और दोस्तों इनके साथ ही अगर ये आएंगे
तो ही आपके गार्डन में जो फूल हैं वो फलों में कन्वर्ट होंगे। तो प्रूनिंग इसकी आप एक बार हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए ये शूट निकल रही है, तो अब इसको जो प्रून करेंगे आप, इसको मैं इसको 3 फीट तक प्रून कर देता हूँ, ये वाली यहाँ से प्रून कर देता हूँ। और जो आप ये काटेंगे आप पेंसिल की आकार की, जैसे ये वाली है, इसको आप लगा सकते हैं। नॉड का एक एरिया छोड़ दें, नीचे इतना एरिया छोड़ दें, इसको आप लगाएंगे, यहाँ से रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको भी मैं काट देता हूँ, ये कुछ नॉड के थोड़ा सा ऊपर से काटें, ताकि अगर थोड़ा डाईबैक भी हो तो नॉड पे आके रुक जाए। अब ये बहुत लंबी जा रही है, इसको भी मैं यहाँ से काट देता हूँ। अब ये है तो इसको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से प्रून कर देते हैं। और ये सबसे लंबी शूट है, इसको फ्रेंड्स यहाँ से प्रून कर देते हैं। तो ये एक तो डी शेप भी नहीं होगा, इसकी शेप भी अच्छी रहेगी। अब देखिए इसकी मैं आपको लुक दिखाता हूँ। अब ये इसकी लुक आ रही है, और ये जो आपने टानियाँ इसकी प्रून करी हैं, एक बार मैं इनको इकट्ठा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको आपने अगर इसी तरह से ये वाला लीफ उतार दो और इसको लगा दोगे, 6 इंच की काट के लगा दो, तो ये अच्छे से ग्रो कर जाएगी और आपके पास नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फालसे को बस ये है कि हाँ, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे आप कर सकते हैं 1 महीने में एक बार। अब फर्टिलाइज़र कितना कितना चूज़ करना है तो वो बता देता हूँ। NPK 1 चम्मच 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में। सीवीड जो लिक्विड है वो आप यूज़ कर सकते हैं 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर, और ह्यूमिक एसिड भी आप 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। स्टोन डस्ट और रॉक फॉस्फेट आप 1-1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं इसमें। जो एप्सम सॉल्ट है वो भी आप 1 चम्मच 1 लीटर या 2 लीटर पानी में डाल के आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, और सॉइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों पानी तब दें जब 1.5 इंच मिट्टी सूख चुकी हो, और पानी इतना दें कि नीचे से पानी बाहर निकले। गमले में होल्स ज़रूर रखें, ये साइड वाले होल्स हैं, और नीचे भी इसके मैंने बहुत सारे होल्स कर रखे हैं। ठहरिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए नीचे से रूट्स भी बाहर आ रही हैं। तो बस यही है, इसको धूप में रखें, और गर्मी के सीज़न में जैसे ही स्प्रिंग सीज़न शुरू होगा तो इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी, तो फिर आप फ्रूट्स एंजॉय करिए। और यकीन मानिएगा बहुत बहुत यम्मी फ्रूट्स होते हैं इसके फालसे के। जब भी आपको कहीं से ये प्लांट मिले ज़रूर लेके आएँ, आपके बच्चे घर में एंजॉय करेंगे। हाँ, इसको आप, अब मैं इसको नेक्स्ट सीज़न में इसको रिपॉट करूँगा, बड़े गमले में लगाऊँगा, क्योंकि अब ये रूट बाउंड हो गया, रूट्स नीचे से बाहर आ रही हैं। तो आप 1-2 इंच आप स्पीड अप कर सकते हैं, मतलब गमला बड़ा कर सकते हैं हर सीज़न में। तो होप है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।